हेलो, हेलो सेविटा नवीन। आवाज नहीं आ रही है मेरी। हेलो नवीन, मेरी आवाज आवाज नहीं आ आ रही रही है है? मेरी। ओके, कूल। सो वेलकम टू अन अकेडमी पे आपका सबका स्वागत है। माय नेम इज दिलीप सिंह चौहान। आई एम ए ग्रेजुएट फ्रॉम आईटी रुड़की एंड आई लव टू टीच फिजिक्स। फिजिक्स इज माय ओल्ड फ्रेंड। ओके, सो यू कैन सब्सक्राइब टू अन अकेडमी। बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं जिनके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो अन अकेडमी को। डेली लाइव क्लासेस होती हैं, बहुत सारी टेस्ट होते हैं, क्विजेज होती हैं, जिनसे आपकी प्रिपरेशन कैसी है और किस लेवल पे है वो आपको पता लग पाएगा। और बहुत सारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जिनसे आपको ये पता लगेगा कि अच्छा आपकी कौन कौन से कहाँ पे वीकनेस टॉपिक हैं, तो उनको आप अच्छे से कर सकते हो। एंड अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है प्लस पे इफ यू सब्सक्राइब। आपको सारे टीचर्स का एक्सेस मिलता है, आपको जिसकी इच्छा हो, जिससे पढ़ना हो उससे आप पढ़ सकते हैं। ओके, एंड यू कैन सब्सक्राइब टू आइकोनिक एज वेल। आइकोनिक में और प्लस में क्या डिफरेंस है कि आपको पर्सनल कोच मिलेगा, ठीक है, और आपके टेस्ट जो है वो एनालिसिस करेगा वो जो भी पर्सनल मेंटर आपको मिलेगा वो, और स्टडी आपको प्लान करके देंगे जो भी मेंटर आपको मिलते हैं, पर्सनल कोच जो मिलते हैं वो। ओके, एंड प्लस के सारे बेनिफिट्स इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। ओके, एंड दिस इज द प्लान फॉर आइकोनिक। यू हैव टू पे 45,000 फॉर 12 मंथ्स प्लान एंड यू कैन यूज माई कोड DS01 टू गेट डिस्काउंट ऑफ 10%। ओके, एंड दिस इज द प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान। ओके, सो आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर आइदर 12 मंथ्स प्लान और 24 मंथ्स प्लान, क्योंकि इतना टाइम लगता है नीट में। ओके, एंड यू कैन यूज माई कोड DS01 टू गेट डिस्काउंट, और आप अनअकेडमी ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ओके, सो ओके, ग्रेट ग्रेट। हेलो सानिया, संजीवनी, अनुष्का, हाय नवीन, सेविटर, ग्रेट। हाय सबा खान, हेलो सानिया, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे। हेलो सबा खान, सानिया कैसे हो, संजीवनी, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। ओके, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सबा। अयास गुप्ता, हेलो अयास गुप्ता। संजीवनी, हाय संजीवनी, अयास कैसे हो सब लोग। आई होप सबकी लाइफ कूल चल रही है और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है, ग्रेट। ओके, सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम बात कर रहे थे, तो मैंने बताया था कि सबसे पहले मैंने एनर्जी के बारे में बात करी थी। एनर्जी इज इक्वल टू, मैंने बताया था फोटोन के लिए, फॉर फोटोन्स हम एनर्जी कैसे लिखते हैं। सिंगल फोटोन के लिए एनर्जी हमने लिखना सीखा था E इज इक्वल टू Hcλ ओवर एच न्यू, और हम इसको बोल सकते हैं 1 to 400 अपॉन लेमड़ा, किसमें, एंगस्ट्रोम में। तो एनर्जी किसमें आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। ओके, ये हमने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप दिस इज क्लियर, आपने पढ़ा था, ठीक है, आपको याद होगा आई होप। हाँ नवीन, ये स्क्रीन बड़ी स्क्रीन हो इस वजह से मैंने छोटा कर लिया है अपना टैब, ताकि यहाँ पे जगह ज्यादा बन जाए। ओके नवीन, कूल, ये मैंने बता दिया था। तो देखो, अब हम देखेंगे कि ये फोटॉन्स जो हैं, दो तरीके के पार्टिकल हमारे पास। देखो, जैसे हमने कोलिजन पढ़ी हुई ना, कोलिजन्स, आपने कोलिजन पढ़ी होगी कभी, कोलिजन्स, व्हाट इज कोलिजन। तो इसमें हमने देखा था कि दो पार्टिकल होंगे, एक पार्टिकल वन, दिस इज पार्टिकल वन, दिस इज पार्टिकल टू, पी टू, एंड ये पार्टिकल किसी वेलोसिटी से जाता है वी से और इससे टकराता है। ओके, दीज आर पार्टिकल वन एंड टू, दो पार्टिकल हैं। क्लासिकल फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं, तो कोलिजन में हमने पढ़ा था पार्टिकल वन एंड पार्टिकल टू, ठीक है, ऐसे पढ़ा था। और ये वेलोसिटी जा रहा है तो इसके पास कुछ मोमेंटम है, मोमेंटम इसके पास में है, इट कैरीज मोमेंटम, सो ये आगे मूव करेगा। फिर जैसे इससे टकराएगा, तो आपने ये चीज देखा, एक चीज देखी होगी कि जैसे ही मोमेंटम लेके जाएगा तो ये मोमेंटम को क्या करेगा, आगे ट्रांसफर करेगा इस पार्टिकल को, है ना। तो ये पार्टिकल भी कुछ चलने लग जाएगा, तो मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड, है ना, ऐसा आपने पढ़ा होगा, मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड टू द सेकंड पार्टिकल, मोमेंटम
मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड टू द सेकेंड पार्टिकल, ऐसा पढ़ा हुआ है क्या? आई होप आपने ये चीजें पढ़ी हुई है। कूल, पार्टिकल वन पार्टिकल टू हो, पार्टिकल वन के पास मोमेंटम हो तो पार्टिकल टू को ये जाके दे देगा। ओके, आई एम गुड प्रिया दर्शनी, आप कैसे हो? हेलो न्यूरोसर्जन ब्रो, कैसे हो? ओके, ये आपने देखा होगा अगर पार्टिकल वन है वो किसी मोमेंटम से जा रहा है, पार्टिकल टू से अगर कोलाइड करेगा तो मोमेंटम क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, तो ये पी टू भी चलने लग जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास दो पार्टिकल्स होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, दो पार्टिकल्स के बारे में हम बात करेंगे। वी हैव टू पार्टिकल्स, नंबर वन, पार्टिकल नंबर वन इज फोटोन। ठीक है, पार्टिकल नेचर होता है इसमें, पार्टिकल नंबर वन इज फोटोन। ठीक है, पार्टिकल नंबर टू इज इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल टू इज इलेक्ट्रॉन। ओके, तो दो पार्टिकल है हमारे पास, पी वन एंड पी टू। लेट से दिस इज पी वन, फोटोन है ये पी वन, ये है इलेक्ट्रॉन पी टू। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि फोटोन इस पे टकरा इलेक्ट्रॉन पे तो क्या होना चाहिए? कैन यू टेल मी, इफ फोटोन कोलाइड्स विद इलेक्ट्रॉन व्हाट शुड हैपन? कोई बता सकता है मेरे को? जैसे सिंपल, हमने दो बॉल टकरा रही है, देखो ये मैकेनिक्स में दो बॉल होती है, वो जाके एक बॉल दूसरे से टकराती है, तो पहले वाले का मोमेंटम कहाँ चले जाता है? दूसरे वाले पे, दूसरा वाला भी चलने लग जाता है। पहले वाले पे कुछ मोमेंटम बचता है, सेकंड वाले पे कुछ बचता है। ऐसे ही अगर दो पार्टिकल हमारे पास, नंबर वन इज फोटोन, नंबर टू इज इलेक्ट्रॉन, व्हाट शुड हैपन हियर? कौन बताएगा मुझे? ओके न्यूरोसर्जन, गुड आफ्टरनून। वेलोसिटी एक्सचेंज, अयास गुप्ता, यस, वेलोसिटीज एक्सचेंज होती है, किसमें एक्सचेंज नहीं होती, डिस्ट्रीब्यूट होती है। ओके, इसमें क्या होना चाहिए? पूनम प्रजापति, कोई बात नहीं। न्यूरोसर्जन, मैंने अपना टेप छोटा कर लिया है ब्रो, मेरी आवाज आ रही होगी? ठीक है, तो बताएंगे फोटोन अगर इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो क्या होगा? पूनम, ओके पूनम, मैं ये पूछ रहा हूं, देखो सिंपली हमारे पास दो बॉल दे रखी हो, इफ दो बॉल अपने को पास दे रखी हो, बॉल वन ये है, ठीक है, ये किसी वेलोसिटी से जा रही है, वी से, ये है नंबर वन, नंबर टू बॉल दे रखी है, अपने कंचे खेले होंगे ना, ये दो नंबर बॉल है, अगर बॉल वन जाके इस पर टकराती है, ठीक है, इस पर टकराती है, अगर कोलाइड होती है, कोलिजन होता है, तो क्या होता है, इनमें जो स्पीड है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है ना, मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक दूसरे में ना, मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ वेलोसिटी पहले के पास रहेगी, कुछ वेलोसिटी दूसरे के पास में रहेगी, ऐसा जानते हो? तो मैं सिंपली ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये तो होगी बड़े पार्टिकल्स की बात, हमारे पास दो पार्टिकल है, नंबर वन इज फोटोन, ओके दिस इज फोटोन, और नंबर टू इज इलेक्ट्रॉन, ये है हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रॉन, ओके ये पड़ा हुआ है, तो ये इससे जाके कोलाइड कर रहा है, तो क्या होना चाहिए? कोलिजन हो रही है, व्हाट शुड हैपन, व्हाट शुड हैपन हियर? अगर फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो क्या होना चाहिए? कौन बताएगा? कैन यू गेस? ओके, सो देखो सिंपल, अगर दो गेंदें टकराती है तो इनमें मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसे ही अगर एक फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो क्या होना चाहिए? कौन बताएगा? एनर्जी रिलीज, संजीवनी सिंह, एनर्जी इज रिलीज, हेलो हरिओम। रूपानी, किसने मराठी पूरन पोली खाई है? मराठी पूरन पोली हमने तो नहीं खाई। मोमेंटम इज, लक्ष्मीनारायण पटेल, मोमेंटम इज संवेग, पी इज इक्वल टू एम वी। ओके, गुड आफ्टरनून अनीस। ओके बावराज, जाओ जाओ फिर, जाओ जाओ, यहां मत बैठो, जाओ। पुष्पम, अभी कुछ नहीं हुआ पुष्पम, जस्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जस्ट स्टार्ट हुआ है। मेरे को ये बताओ, ये फोटोन, जैसे सिंपल एक बॉल टकराती है दूसरी बॉल से तो मोमेंटम एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है, ऐसे ही एक फोटोन टकराता है इलेक्ट्रॉन से तो क्या होना चाहिए? व्हाट शुड हैपन? मोमेंटम ट्रांसफर हो जाएगा आयुष, फिर फोटोन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ठीक है, जैसे देखो हम ऐसे बात करते थे ना कि जैसे मान लो एक पार्टिकल है, एक गेंद आ रही है यहाँ पे, दिस इज नंबर वन, इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी वन है, ये रुका हुआ है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, ये एम वन था, ये एम टू था, ऐसा होता था ना, फिर कोलिजन के जस्ट बाद क्या होता था, इसकी वेलोसिटी हो जाती थी एम वन की वी वन डैश, एम टू की हो जाती थी वी टू डैश। ऐसे ही फोटोन और इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, कौन बताएगा? कैन यू टेल मी व्हाट इफ ए फोटोन कोलाइड्स विद इलेक्ट्रॉन, क्या होना चाहिए? मे बी कंजर्व्ड, पूनम, तो फोटोन के साथ क्या होगा, फोटोन के साथ क्या होगा और इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा, बताएंगे?
M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगा। ओके यस पुष्पम, दिस इज पॉसिबिलिटी, आप सही बोल रहे हैं। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? फोटोन इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगा। ओके और क्या हो सकता है? वॉट मोर कैन हैपन विथ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज तो संजीवनी होता ही नहीं है, फोटोन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, फोटोन इज चार्जलेस पार्टिकल। हाय मोहम्मद चोरियाल, स्पीड बढ़ जाएगी 2c सेविटर, कुछ भी चीज की स्पीड c से ज्यादा नहीं हो सकती, तो 2c तो पॉसिबल नहीं है। No speed in this universe can exceed the velocity of light. Okay, so v has to be less than or equal to c. Photon energy lose कर देगा आयुष यहाँ। देखो मैं बताता हूँ। Simple funda in photoelectric effect. It's a very important thing. Very important. ठीक है? This is very important. क्या है? कि photon electron interaction में in photoelectric effect. If a photon collides with an electron, the whole photon will be absorbed. Okay, the whole photon will be absorbed. इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब यह होगा कि पूरी की पूरी एनर्जी किसको मिल जाएगी? फोटोन की एनर्जी किसको मिल जाएगी? इलेक्ट्रॉन की, यह ध्यान रख लेना, इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी। सो फोटोन का ऐसा नहीं है कि कुछ पार्ट बच गया या ये क्या बोलते हैं इससे कोलाइड करके दूसरी तरफ चला गया। अगर फोटोन आ गया, ये फोटोन आता है इलेक्ट्रॉन के पास, ये फोटोन कोलाइड्स विद इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टोटल एनर्जी विल बी अब्सॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन। ओके देयर विल बी नो फोटोन। ओके पूरी फोटोन की एनर्जी कौन ले लेगा? एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। डू यू अंडरस्टैंड क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? इस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लासिकल में और इसमें यही डिफरेंस है, उसमें तो टकरा के पार्टिकल वापस चला जाता है, इसमें फोटोन जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा। किसके? कौन? इलेक्ट्रॉन इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। रोहन, एक्स प्रो इज इन 8th क्लास। ओके हेलो नितिश राज, हेलो हाय, हेलो फैजल। ओके मैं क्या बोलना चाह रहा हूं समझ रहे हो क्या आप? ओके ठीक है, पूरा का पूरा फोटोन किससे अब्सॉर्ब हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन द्वारा। इसका मतलब ये हो गया कि वन फोटोन इंटरेक्ट्स विथ वन इलेक्ट्रॉन, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वन फोटोन किससे इंटरेक्ट करेगा? वन इलेक्ट्रॉन से। वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। I hope this is clear. One photon, one electron. इसका क्या मतलब हुआ? देखो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक फोटोन आएगा, आप किससे इंटरेक्ट करेगा? एक इलेक्ट्रॉन से। ऐसा नहीं है कि आधी एनर्जी किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को दे दी, आधी एनर्जी खुद ने ले ली। I hope this is clear. Okay. Got it? Clear? Okay. Cool. अब देखना एक चीज, बहुत प्यारी चीज बताता हूँ। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा फिर? देखो मैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि स्क्रीन जो है छोटी दिख रही है मेरी, थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ। ओके बाल भी सही कर लेता हूँ, स्क्रीन भी छोटी बड़ी कर लेता हूँ। ओके आई होप अभी दिख रहा हूं मैं आप लोगों को। कूल अब देखो, ठीक है, सो वन फोटोन इंटरेक्ट्स विथ वन इलेक्ट्रॉन। ओके अनिश कुमार सिंह, क्या समझ में नहीं आ रहा? ओके देखो अब देखना, सो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? देखो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? अब मान लो कि आपके पास में कोई एटम है, लेट्स से दिस इज एटम, ठीक है,
और बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, लेट से अपने को पता नहीं है कितने सारे ऑर्बिट्स हैं, लेट से वहां पे बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, देर आर ए लॉट ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक, कोई मेटल है तो इसमें बहुत सारे ऑर्बिट्स होंगे ना, तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, सो हियर वी हैव ए इलेक्ट्रॉन, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा होगा, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है ना, तो मान लो इसके पास कितने फोटोन आए, चार फोटोन आए, फोटोन नंबर वन, फोटोन वन वन, फोटोन टू, फोटोन थ्री, ठीक है। सो पी वन, पी टू एंड पी थ्री, तीन फोटोन इसके पास में है, ठीक है। तो देखना एक एक करके फोटोन आ रहे हैं, एक एक करके फोटोन आ रहे हैं, तो एक नंबर फोटोन आया, ठीक है। क्या ये इसको इस ऑर्बिट से निकाल देगा, क्या ये फोटोन जो है पी वन इसको इसके ऑर्बिट से निकाल सकता है? पी वन की एनर्जी है ई वन, पी टू की एनर्जी है ई टू, पी थ्री की एनर्जी है ई थ्री, बताइए। हाँ, राजेश्वरी, वही बोलना चाह रहा हूं, वन फोटोन इंटरेक्ट्स विथ वन इलेक्ट्रॉन। ओके राजेश्वरी, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, क्या फोटोन पी वन इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है? मे बी, ठीक है। तो देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बंधा हुआ है, तो दिस इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स मिनिमम एनर्जी। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पे मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है। सो इट रिक्वायर्स सर्टेन मिनिमम एनर्जी टू इट रिक्वायर्स सर्टेन एनर्जी, मिनिमम एनर्जी टू यू नो जस्ट पुल आउट द इलेक्ट्रॉन, पुल आउट द इलेक्ट्रॉन। यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, पुल आउट करना है, तो एक सर्टेन मिनिमम हमें को एनर्जी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन यहां से क्या आ जाए, बाहर आ जाए। जैसे पी वन आया, पी टू आया, पी थ्री आया, ठीक है। लेट से पी वन, ई वन इज ग्रेटर देन लेस देन ई टू, सबसे ज्यादा किसके, ई थ्री के। तो ये फोटोन मान लो यहाँ आया, इसने अब्जॉर्ब किया और इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, बाहर आ गया। दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर कोई फोटोन इलेक्ट्रॉन पे आता है, टकराता है, और इलेक्ट्रॉन अगर उसकी एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता है, इफ दैट एनर्जी ऑफ फोटोन इज सर्टेन मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, अगर इतनी एनर्जी है, तो वो इलेक्ट्रॉन इस एटम से बाहर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, यस, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ये जो सर्टेन मिनिमम एनर्जी है ना, इसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं, अभी मैं आऊंगा उस पे। ओके, यस यस, मैंने अभी टेक्निकल वर्ड्स यूज नहीं करे हैं ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, सो यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, फोटोन आके इस पे टकराएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, तो सर्टेन एनर्जी रिक्वायर्ड। तो सिंपली फंडा हो गया आपका, वर्क फंक्शन बोलते हैं इसको। तो पहली डेफिनेशन होगी वर्क फंक्शन की, वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ये क्या लिखा मैंने, समझ में आया क्या? ऑफ द मेटल, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं? फाई से। ओके, वर्क फंक्शन इज डिनोटेड बाय फाई। आई होप दिस इज क्लियर, मैंने क्या लाइंस बोली हैं। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ओके, एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, उतनी एनर्जी का फोटोन आके गिरेगा जब भी इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, बाहर आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। ओके, सत श्री अकाल मुकुल, यस, ओके, ग्रेट, कूल, ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैंने? तो देखो, लेट से हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, ये मेटल सरफेस है, लेट से अपने पास एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इसको हमें बाहर निकालना है। तो हमारे पास एक फोटोन आया, ये फोटोन आया, ये फोटोन आया, और इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो इसकी मिनिमम एनर्जी क्या होगी, ई मिनिमम होगी ना फोटोन की, ई मिनिमम इज इक्वल टू कितनी होगी, फाइव होगी क्या? आई होप दिस इज क्लियर। सो ई मिनिमम इज इक्वल टू फाइव
एनर्जी को कैसे लिखते हैं फोटोन की, एच न्यू, तो एच न्यू नॉट लिख दिया इसको मैंने, एच न्यू नॉट इज इक्वल टू पाई, आई होप दिस इज क्लियर। और जो न्यू नॉट है इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आई होप दिस इज क्लियर। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, वर्क फंक्शन क्या है, तुमको समझ में आया क्या? यस, ग्रेट। हेलो सोहेल खान, हाय सर सोहेल, आई होप दिस इज क्लियर, इट्स वेरी इजी। सर्टेन मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ओके ग्रेट। अब देखना क्या आप जानते हो न्यू इज इक्वल टू, न्यू होता आपका सी बाई लेमड़ा, तो यहां से न्यू नोट को सी बाई लेमड़ा नोट लिख सकता हूं क्या मैं? यहां से न्यू नोट इज इक्वल टू सी बाई लेमड़ा नोट, तो मैं यहां से और लिख सकता हूं, देखो एच न्यू नोट इज इक्वल टू एच सी बाई लेमड़ा नोट इज इक्वल टू फाइव। आई होप दिस इज क्लियर एज वेल। और इस लेमड़ा नोट को हम क्या बोलते हैं, लेमड़ा नोट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ओके, दिस लेमड़ा नोट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। आई होप दिस इज क्लियर एज वेल। तो तीन चीजें हैं आपके पास में, वर्क फंक्शन, आई होप दिस इज क्लियर क्या है वर्क फंक्शन, नंबर टू इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, आई होप दिस इज क्लियर एज वेल, नंबर थ्री इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, आई होप दिस थ्री थिंग्स आर क्लियर। स्टार्ट है बिल्कुल ये, आई होप दिस थ्री थिंग्स आर क्लियर। ओके सर एक बार फिर से बताओ, ठीक है सबा खान, रिपीट करता हूँ। ओके पूनम, देखना सिंपली क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ देखना, ध्यान से देखना, दोबारा बता देता हूँ, देखना हमारे पास क्या है, हमारे पास एक एम मास का ब्लॉक है, ठीक है, इस पे हमने पहले क्या बोला कि इस पे मैंने एक सिंपली एक गेंद फेंकी एम कैपिटल एम मास की, ब्लॉक नहीं खिसका, फिर हमने एक दूसरे इसको E1 से फेंका, फिर हमने इसको E2 से फेंका, फिर हमने इसको E3 से फेंका, तब ये खिसक जाएगा ना। मान लो ब्लॉक पड़ा है, तो पहले देखो मान लो ये पेन पड़ा है मेरे पास, है ना, इस पेन पे देखना धीरे से फोर्स लगा रहा हूं, नहीं खिसक रहा, और एनर्जी लगाई नहीं खिसक रहा, एक एनर्जी लगाई नहीं खिसक रहा, आप देखना थोड़ा सा जोर लगाया खिसक गया है, समझ रहे हो? आई होप दिस इज क्लियर क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। तो आप इतना जोर लगाओ कि ये आगे खिसक जाए, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस दिस पार्टिकल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। जैसे मेटल है आपके पास, ये मेटल है, दिस इज मेटल, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है मेरे को, तो इसको ऐसा नहीं है कि कुछ भी फोटोन डालोगे तो निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, इसको खींचने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए फोटोन की, कितनी मिनिमम एनर्जी, दिस एनर्जी हैज टू बी सम मिनिमम वैल्यू, ओके, यहाँ ई मिनिमम होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन क्या होएगा, बाहर आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो ई मिनिमम जो है इसको हम क्या बोलते हैं वर्क फंक्शन फाइव, कि इतनी एनर्जी चाहिए भाई इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है मेटल से, तो इसको हम फाइव बोलते हैं, ठीक है, ये समझ में आया। और फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच न्यू, सो एच न्यू उसको न्यू नॉट लिख दिया मैंने, यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन कि ये इलेक्ट्रॉन जो है बाहर आ जाए, इसको हम क्या बोलते हैं फाइव बोलते हैं। और न्यू नोट को सी बाई लेमड़ा भी लिख सकते हैं, तो एच सी बाई लेमड़ा नोट। आई होप दीज थ्री थिंग्स आर क्लियर, न्यू नोट फाइव एंड लेमड़ा नोट, न्यू नोट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लेमड़ा नोट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। आर्या चौधरी, रेडिएशन इलेक्ट्रॉन पे पार्टिकल के फॉर्म में गिरी है, आर्या चौधरी यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो लाइट का नेचर होता है वो पार्टिकल नेचर होता है, ओके, सो इट बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल, क्वांटा ऑफ लाइट, ओके। बोलिए अभी क्लियर है कि नहीं है, फेजल, हेलो सालू शर्मा, फेजल, पूनम एंड कमलेश, गुड आफ्टरनून, आई होप दिस इज क्लियर, ओके ग्रेट, कूल है। अब देखना मैं सवाल दे रहा हूं, एक क्वेश्चन इज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल हैपन इफ, ऑप्शंस दे रहा हूं मैं,
ऑप्शन ए इज न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, बी इज न्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट, सी इज न्यू न्यू कैन हैव एनी वैल्यू, डी इज नन। बोलिए जल्दी से क्या आंसर आएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल हैपन इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, ओके न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन ना, सब लोग बोलेंगे यस। मोहम्मद चोरेवाल चोरेवाल, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन, यस। हेलो राजीव रंजन कुमार, हेलो, ओके आई होप दिस इज क्लियर। बताओ कौन सा आंसर आएगा इसका। हेलो हरेंद्र, हरेंद्र इज सेइंग बी, पुष्पम इज सेइंग बी, संजीवनी इज सेइंग ए, सनी डिकोस्टा इज सेइंग बी, न्यूरोसर्जन इज सेइंग बी, फेजल खान ए, हरिंदर सिंह बी। जल्दी जल्दी आंसर देंगे। टिल्लू सबा खान टू, सुनैना बख्शी सिंह ए, ओके। तो देखो जिन लोगों ने बी आंसर बोला है उनका एब्सोल्युटली करेक्ट है, बी इज करेक्ट। मैंने क्या बोला कि वी रिक्वायर ए सर्टेन मिनिमम एनर्जी, वी रिक्वायर सर्टेन मिनिमम एनर्जी, ओके सर्टेन मिनिमम एनर्जी, उसको हम क्या बोलते हैं मिनिमम, यानी अगर एनर्जी जो है किसके इक्वल होनी चाहिए, फोटोन की, एच न्यू नॉट के इक्वल होनी चाहिए, जब तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो इसका मतलब इससे ज्यादा एनर्जी, इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, इसको हम फाई भी बोलते हैं, इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट देन एनर्जी विल बी ग्रेटर देन फाई। ये समझ में आता है क्या? तो इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो यार एनर्जी एच नहीं होती है ना, इससे ज्यादा होगी तो इससे अगर इस पे फोटोन निकल रहा है तो इससे ज्यादा एनर्जी यानी ज्यादा फ्रीक्वेंसी में तो फोटोन निकलेगा ही निकलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। बी कैसे करेक्ट है, आई होप दिस इज क्लियर। यस ए नहीं आएगा सोहेल, बोलो किसको दिक्कत है इसमें, किसको प्रॉब्लम है इसमें। आई होप दिस इज क्लियर। मनीषा नो, सिलेबस कोई रिड्यूस नहीं होगा मनीषा, ओके ग्रेट। किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क है ना। राजीव रंजन कुमार, इंग्लिश में समझ में नहीं आता यार, हिंदी भी तो बोल रहा हूं मैं। यस पूनम, ओके हेलो रिबेल हर्ट, हाय, ओके आई होप दिस इज क्लियर। नंबर टू क्वेश्चन इज सेम, इसी तरीके का क्वेश्चन है। फोटो दिस इज टी, ओके सॉरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल हैपन इफ, ओके। सो इसमें ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऑप्शन ए इज लेमडा इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेमडा नॉट, बी इज लेमडा इज लेस देन इक्वल टू लेमडा नॉट, सी इज बोलिए इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आंसर आएगा। हेलो सत्या, हाय सत्या। आयुष 2021 की डेट्स पोस्टपोन होने के चांसेस नहीं है आयुष, अभी पढ़ाई करो यार आप, अभी कौन सी 21 के डेट्स पे देखे हो, पढ़ाई तो शुरू ही नहीं करी। पुष्पम इज सेइंग बी, सभी को बताओ सर जी प्यार एक धोखा है, सनी सर जी प्यार एक धोखा है, सनी डिकोस्टा बोल रहा है। पुष्पम इज सेइंग बी, राजेश्वरी बी, न्यूरोसर्जन बी, नवीन वेंकट ए, पूनम बी, फेजल बी, न्यूरोसर्जन बी, सब लोग बी बोल रहे हैं। ओके
ओके रेहान सिंह, बी बी इज करेक्ट। यस बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। जितने लोगों ने भी बी दिया है उनका सही आंसर है। देखो कैसे बताया मैंने कि फ्रीक्वेंसी हैज टू मिनिमम। देखो फ्रीक्वेंसी तो मिनिमम होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया था फाइव फाइव बताया था कि एनर्जी हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, एच एच न्यू नॉट या लिखते हैं एच सी बाई लेमडा नॉट। तो यहाँ ध्यान रखो लेमडा कहाँ आता है, नीचे। अगर लेमडा नॉट पे हो रहा है, मान लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लेमडा नॉट पे हो रहा है, तो देखना दोनों चीजें मैं बता देता हूँ। अगर न्यू नॉट पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, न्यू नॉट पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, ठीक है ठीक है, अगर मैं न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, तो क्या एनर्जी जो है न्यू नॉट अगर से ज्यादा एनर्जी फ्रीक्वेंसी रहेगी तो एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी ना, तो एनर्जी विल बी ग्रेटर देन फाइव डेफिनेटली, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ये तो लास्ट सवाल था पिछले वाला। अब देखना लेमड़ा नोट पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, यस हो रहा है, क्योंकि इसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। इफ इफ लेमड़ा इज ग्रेटर देन लेमड़ा नोट, ये ध्यान रख लेना, अगर लेमड़ा लेमड़ा नोट से ज्यादा हो गया, अगर ये वैल्यू बढ़ गई तो एनर्जी कम हो जाएगी ना, सो एनर्जी विल बी लेस देन फाइव, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब लेमड़ा हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू लेमड़ा नोट। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। लेमड़ा हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू लेमड़ा नोट, तब देखो अगर इस लेमड़ा नोट से कम होगी तो एनर्जी इससे ज्यादा होगी हमेशा, तो ई हमेशा जो है फाइव से ज्यादा होगा, सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम होती है, लेमड़ा मैक्सिमम होता है। आई होप दिस इज क्लियर। बोलिए किसको डाउट है इसमें, प्लीज आस्क। ओके ग्रेट, क्लियर। ओके नमस्ते प्रभु। ओके तो देखो मैं डेफिनेशन क्या बना सकता हूँ, तीनों के डेफिनेशन बना सकता हूँ। क्या क्या, वर्क फंक्शन फाई, फाई के लिए मैं क्या लिखूंगा, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फिर नंबर टू, नंबर टू इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट, तो ये भी क्या होगी, मिनिमम होगी, सो मिनिमम एनर्जी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फिर नंबर थ्री इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लेमडा नॉट, तो ये क्या होगा, मैक्सिमम लेमडा, मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बाद अगर लेमड़ा लेमड़ा नोट से ज्यादा हुआ तो नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है, लेमड़ा मैक्सिमम होता है। ओके सो ऐसा लिख सकते हैं क्या, फाइव इज इक्वल टू एच न्यू मिनिमम इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमड़ा मैक्सिमम। बोलो न्यू नोट और लेमड़ा नोट क्या है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। आई होप दीज थ्री थिंग्स आर क्लियर। अब तक का सार ये है इस स्लाइड में। बोलो इन तीनों में किसी को डाउट है क्या, पूनम प्रजापति सिंह, लाइफ में अगर प्यार को बहुत चढ़ेगा तो दिल टूटेगा, प्यार का भूत चढ़ेगा तो दिल टूटेगा, अगर सक्सेस का भूत चढ़ेगा तो यकीन रिकॉर्ड टूटेगा, या सही बोल रहे हो, करेक्ट। बोलिए किसको डाउट है इसमें, आई होप दिस इज क्लियर। बोलिए किसको डाउट है इसमें, ओके ग्रेट। देखो अब सवाल करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। Question is, if work function phi is equal to
124 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फाइंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ विच इज लेमडा नोट। ओके, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताना है, लेमडा नोट आपका क्या आएगा। ओके, सो ऑप्शन दे देता हूं मैं। सो ऑप्शन ए इज 1000 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी इज 100 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन सी इज 10^4 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन डी इज नन। बोलेंगे क्या आएगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना आएगा, फाइव दे रखा है आपको, फाइव इज गिवन, यू हैव टू फाइंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लेमडा नोट। हेलो शुभम, पुष्पम इज सेइंग ए। मैंने कल बता रखा है आपको कैसे क्या करना है, एनर्जी की चीज जब भी आता है, वेव फंक्शन इज नथिंग बट एनर्जी। ओके, ये आप चीज क्लियर रखना हमेशा, वर्क फंक्शन है जो कुछ नहीं है आपका, क्या सिंपली एनर्जी है, वर्क फंक्शन इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, तभी तो देखो इसकी यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। यस यस करेक्ट, ए, यस ए इज एब्सोल्यूटली करेक्ट आंसर, ए सही है आपका, ए सही आंसर है, यस। सो ए इज करेक्ट आंसर, देखो कैसे मैंने बता रखा आपको, सिंपली एनर्जी जो होती है, एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 अपॉन लेमडा, लेमडा किस में आता है, एंगस्ट्रॉम में, और एनर्जी किस में आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो हमारे पास एनर्जी कितनी है, वर्क फंक्शन है, तो वर्क फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, फाई इज इक्वल टू 1/2 अपॉन लेमडा नॉट, किस में, एंगस्ट्रॉम में, ये फॉर्मूला हो गया ना, ये किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो कितना दे रखा है, 12.4 है ना, तो 12.4 लिखा हुआ है सिंपली, तो 12.4 इज इक्वल टू 1/2 अपॉन लेमडा नोट, किसमें, एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से देखो लेमडा नोट क्या आ गया, लेमडा नोट सिंपली आ गया 1/2 अपॉन कितना, 12.4 एंगस्ट्रॉम, ये आप इसको सोल्व करो कितना आ जाएगा, 1000 एंगस्ट्रॉम। आई होप दिस इज क्लियर, किसी को डाउट है क्या इसमें, आई होप दिस इज क्लियर। गुड आफ्टरनून प्रियंका, बोलिए किसको डाउट है इसमें, इफ एनीवन हैज एनी डाउट प्लीज आस्क। गुड आफ्टरनून सीजीएल लिमिटेड, प्रियंका तिवारी क्लास 12th का है ये। ओके ग्रेट, अब देखो What is threshold frequency? Can you calculate threshold frequency? Number 2 question is what is threshold frequency for this question? बता सकता है कोई मेरे को क्या threshold frequency आएगी? So option दे देता हूं मैं, option A is 3 × 10^15 हर्ट्ज, ऑप्शन बी इज 3 × 10^8 हर्ट्ज, ऑप्शन सी इज 3 × 10^16 हर्ट्ज, ऑप्शन डी इज नन। बोलिए कौन सा ऑप्शन आएगा, सेम प्रॉब्लम में, ऊपर वाले सवाल में जिसमें लेमडा नोट कितना है, 1000 एंगस्ट्रॉम, तो इसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी। तरुणा कोटेचाई सिंह 15, कमलेश ए, अरुण बी, शुभम ए, सीजीएल लिमिटेड 3, अरुण बी, आयुष बी। ओके फास्ट आंसर देंगे, पुष्पम इज सेइंग ए, निंजा मिनाटी गेमिंग लव फ्रॉम पाकिस्तान, हेलो ब्रो, डॉक्टर न्यूरोसर्जन इज सेइंग ए, नवीन इज सेइंग ए, लक्ष्मी नारायण इज सेइंग 3, अभी देखते हैं।
सबा खानी सेंट टू। यस कमलेश, यस यस। तो ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ए है आपका करेक्ट आंसर है। देखो कैसे सिंपल फंडा था यार, लेमडा नोट गिवन है, न्यू नोट मैंने बताया था आपका होता है सी सी अपॉन लेमडा नोट। तो सी कितना होता है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, और लेमडा हमेशा मीटर में रखना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो। तो कितना था 1000 एंगस्ट्रम आया था ना, तो 1000 पुट कर दो नीचे, तो 1000 इंटू एंगस्ट्रम को क्या लिखते हैं -10। तो देखो 3 × 10⁸ तो ऊपर बन गया -10, 3 कितना बना -7, ये ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा 15, 3 × 10⁻¹⁵ हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। आई होप दिस इज क्लियर, बोलिए किसको डाउट है। आई होप दिस इज क्लियर, किसको डाउट है इसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के सवाल में। इसमें किसी को डाउट है क्या? ओके ग्रेट कूल। मोहम्मद चोरियाल, कोई बात नहीं, आई होप दिस इज क्लियर, किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क। जल्दी बोलेंगे, ओके ओके यस बीटीएस, यस यो कूल। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल, हाइड्रोजन एटम है, ठीक है हाइड्रोजन एटम है। सो आपके पास में क्या क्या है देखना, ठीक है। सो दिस इज एन वन, दिस इज एन इज इक्वल टू वन, ये एन इज इक्वल टू टू। एक इलेक्ट्रॉन जो है यहां से जंप करता है, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है, इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन जंप किया यहां पे, तो यहां से एक फोटोन निकलेगा ना, फोटोन विल बी जनरेटेड। सो यहां पे जंप करने पे जो फोटोन जनरेट हुआ है उसको हमने डाला एक मेटल सरफेस पे, दिस इज ए मेटल सरफेस, ओके दिस इज मेटल सरफेस। इसका फाई है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ओके 5 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो कौन सा फोटोन आया इस पे, जो यहां से एटम से निकला है फोटोन, 2 से 1 में इलेक्ट्रॉन जंप किया तो फोटोन निकला, ये मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया है, ठीक है। सो इफ द एमिटेड फोटोन इज एब्सॉर्ब्ड बाय मेटल, देन, ठीक है, देन आपको आंसर देना है, ये एमिटेड फोटोन इस मेटल सरफेस पे आया, इसका फाई कितना दे रखा है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ऑप्शन ए इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल हैपन, बी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल नॉट हैपन, ऑप्शन सी इज कैन नॉट से, कांट से एनीथिंग, ऑप्शन डी इज नॉट। बोले कौन सा ऑप्शन आएगा, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इजी है बट अच्छा सवाल है। इफ द एमिटेड फोटोन इज एब्सॉर्ब्ड बाय द मेटल सरफेस देन, बोलिए पुष्पम इज सेइंग ए, पूनम इज सेइंग ए, सनी डिकोस्टा ही सेइंग ए, ए बोल रहे हैं सब लोग। सारी जनता ये बोल रही है, यस 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 ग्रेट।
अनिशा चक्रवर्ती सेइंग ए, ओके यस ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट। देखो कैसे, व्हाई दिस इज करेक्ट, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे वन की एनर्जी कितनी होती है -13.6, टू की कितनी होती है -3.85 होती है ना, तो 3.8 और क्या बोलते हैं 13.6, यहाँ पे इसका डिफरेंस देख लीजिए आप कितना आएगा लगभग लगभग, है ना। सो जो डिफरेंस आएगा 3.4, सो एनर्जी 3.4 होगी, एनर्जी 3.4 -13.6, तो फोटोन की एनर्जी कितनी आएगी, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू कितना आएगा 13.6 -3.4, ये कितना आया 10.2, व्हिच इज ग्रेटर देन 5, 5 कितना है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस 5 से ज्यादा एनर्जी का फोटोन है ना यार, अगर 5 से ज्यादा एनर्जी का फोटोन है सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल हैपन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। आई होप दिस इज क्लियर, बोलिए किसको डाउट है इसमें, एक लाइन का सॉल्यूशन है। प्रियंका तिवारी सिंह सर, आई एम स्टडिंग 11th क्लास केमिस्ट्री व्हाइल बीइंग इन योर क्लास। यस प्रियंका, आप ये एटम मॉडर्न फिजिक्स और केमिस्ट्री में सेम चीजें हैं तो डेफिनेटली यू कैन रेफर, ठीक है। एटम के भी मैंने लेक्चर्स मेरे पूरे पढ़े हुए होंगे, यू कैन गो एंड चेक, ओके प्रियंका, आप डेफिनेटली देख सकते हैं। यस ओके ग्रेट, ठीक है ओके। संजीवनी देखो रिपीट कर देता हूं, N1 की और हाइड्रोजन की एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरी की होती है -3.4, ये मैंने बताया था, मेरी क्लास देख सकते हैं आप एटम पे, इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल का फोटो निकलेगा, तो 13.6 और 3.4 का डिफरेंस कितना हुआ 10.2, तो 10.2 इस 5 से ज्यादा है क्या, यस दिस इज ग्रेटर देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डेफिनेटली, इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। आई होप दिस इज क्लियर, ओके यस मोहम्मद, जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, एनर्जी ऑफ फोटोन कंडीशन फॉर एमिटिंग इलेक्ट्रॉन इज दैट एनर्जी ऑफ फोटोन शुड बी ग्रेटर देन 5, ठीक है, तब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा। ओके ग्रेट, ठीक है ओके, सो देखो मेरे को बताओ कि फोटोन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अगर फोटोन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, फोटोन से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन एमिशन दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच आर अदर मेथड्स टू एमिट इलेक्ट्रॉन, और क्या मेथड्स है इलेक्ट्रॉन एमिशन के, मोर मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन, कोई बता सकता है मुझे इलेक्ट्रॉन एमिशन के और क्या तरीके हैं, कौन बताएगा मुझे, फोटोन से निकलेगा तो क्या बोलते हैं इसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, और क्या तरीके हैं, कार्तिक अगली बार पेपर अच्छा आएगा तो 700 प्लस ज्यादा से ज्यादा 15-20 लोग होंगे। उस समय सेइंग हीट से निकल सकता है, और हीट से निकलता है उसका क्या यूज है, हीट से इलेक्ट्रॉन निकलता है अगर तो उसका क्या यूज है, व्हाट इज द यूज, पुष्पम इलेक्ट्रिसिटी से निकल सकता है, हीट से इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड से, ओके हीट से अगर गर्म करते हो, देखो आप अगर किसी फिलामेंट को गर्म करते हो, थॉमसन ने हर मेटल को गर्म किया था तभी वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले थे हर मेटल से, और उसने देखा था कि अच्छा
इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ओके, सो हीट से गर्म करोगे किसी फिलामेंट को, इसमें करंट फ्लो होगा, तो डेफिनेटली ये वायर गर्म होगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड थर्मोनिक एमिशन। ओके, थर्मोनिक एमिशन। कूल, इसका यूज कहाँ होता है? यस, इसका यूज कहाँ होता है? थर्मोनिक एमिशन का यूज कहाँ होता है? कैन एनीवन टेल मी प्लीज, व्हाट इज द यूज ऑफ थर्मोनिक एमिशन? फील्ड एमिशन, यस यस। थर्मोनिक एमिशन का देखो यूज कहाँ होता है, ये मैं पढ़ाऊंगा, ये पढ़ाऊंगा। सीआरटी, एक्सरेज जो होते हैं ना, एक्सरेज वो जनरेट होती है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, हीट से, हीट से क्या करेंगे, हीट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर आए, फिर इनको किसी एटम मेटल सरफेस पे डालते हैं हम। ओके, और एक्सरेज प्रोड्यूस होती है, एक्सरेज, ठीक है, एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। तो ये यूज होता है इसका, हीट वाले का, ठीक है। यस, वैक्यूम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक गन्स, यस डेफिनेटली। प्रियंका तिवारी, यस, इलेक्ट्रॉनिक गन, इलेक्ट्रॉनिक गन्स आर यूज इन एक्सरे प्रोडक्शन, यस। ओके, अब देखो प्रियंका तिवारी, एक्सरे पूरा टॉपिक है, मैं बताऊंगा आपको, एक्सरे पूरा टॉपिक है। इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से ही एक्सरे निकलती है। ओके, इलेक्ट्रॉन जब डी एक्सलरेट होते हैं, डी एक्सलरेट, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल डी एक्सलरेट या एक्सलरेट होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है प्रोड्यूस करता है। तो इस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है, कौन सी? एक्सरेज, ठीक है, ये कंसेप्ट रहता है। नेक्स्ट इज फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन इसमें क्या होता है? फील्ड एमिशन में क्या होता है, कौन बताएगा? पुष्पम अडक, देखो इलेक्ट्रॉनिक गन्स क्या, पुष्पम इज सेइंग व्हाट आर इलेक्ट्रॉनिक गन्स। आप जैसे देखो, ये मान लो कि कोई फिलामेंट है, यहां से इसको गर्म कर दिया हीट, करंट से, इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो हीट होगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ना, पुष्पम देखना। तो हमने क्या कर दिया, इनको एक लाइन में लेके आ गए, यहां से मैंने पैक कर दिया कि इलेक्ट्रॉन्स ना तो ऊपर से जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, किधर से जाते हैं, एक सर्टेन डायरेक्शन से जाते हैं। बीम मिल गई, इलेक्ट्रॉन बीम मिल गई हमें ना, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन गन। ओके पुष्पम, This is used in X-ray production. Okay? What is field emission? कोई बताएगा मुझे? कार्तिक, no. There is no chance कि कोई J advance में full marks ले आए. आज तक history में नहीं हुआ ऐसा. ओके, सो दिस इज थर्मोनिक एमिशन। और फील्ड एमिशन में देखो क्या होता है, मैं बता देता हूँ। अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज है इसमें। मान लो कि किसी मेटल में इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, इस पे बाहर से एक फील्ड लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया मैंने, और फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन्स पे कितना, F इक्वल टू क्यू इन टू ई। तो अगर हमने बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाई, If electric field is high, then force भी बहुत high होगा। तो force बहुत अगर high होगा, तो electrons इससे क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे metal surface से। Okay? This is called field emission. Okay? आप मेरे को बताते हैं इसका use कहाँ होता है? Field emission का use कहाँ होता है? Can anyone tell me? Yes, Pushpam. Field emission का use कहाँ होता है? कौन बताएगा? फील्ड एमिशन का यूज कहाँ होता है, कौन बताएगा? माइक्रोवेव ओवन्स, नो नो। आपने कभी नाम सुना होगा जीनर डायोड्स, ठीक है, वहां ऐसा होता है कि एक टाइम के बाद जो है करंट जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। ओके, सो इस पॉइंट पे फील्ड एमिशन स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं बाहर, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, इसका मतलब करंट बहुत बढ़ जाता है। ओके,
ये सेमीकंडक्टर में पढ़ाएंगे, बस इतना सा ध्यान रख लो अभी। ओके कूल, ये सेमीकंडक्टर पढ़ाएंगे जो पढ़ाएंगे। ओके आई होप दिस थिंग थ्री थिंग्स आर क्लियर। तो आज देखो मैंने क्या क्या बताया तुमको, क्या क्या बताया, वर्क फंक्शन बता दिया मैंने, वर्क फंक्शन फाइव हमने बताया, इसके बाद में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज न्यू नॉट, ये बता दिया मैंने। फिर मैंने बताया था थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लेमडा नॉट, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया है आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर मैंने बताया आपको थर्मोनिक एमिशन, हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इसमें फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसमें हीट की वजह से निकलते हैं। और एक बताया मैंने फील्ड एमिशन, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। आई होप दीज सिक्स थिंग्स आर क्लियर। किसी को डाउट है क्या इनमें? ओके उसमें मड़क डायोड एंड जीनर डायोड में डिफरेंस होता है। जीनर डायोड इज स्पेसिफिकली मेड डायोड जो आपको वोल्टेज रेगुलेट करने में यूज होता है। ओके इट्स यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। ओके ग्रेट। सो आज थोड़ा मेरे को काम है, सो इतना ही पढ़ेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक्स। ओके यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, मेरी प्रोफाइल का लिंक है जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम डीसी फिजिक्स जेई नीट, या मैं ये पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है, पूरी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ओके थैंक यू सो मच गाइस, बाय, टेक केयर। ओके यस पूनम, आज थोड़ा जल्दी है। थैंक यू फैजल, सनी डिकोस्टा, मोहम्मद चोरियाल, प्रियंका तिवारी, पूनम, पुष्पम, सत्या, संस्कृति, सत्या, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। ओके मिलते हैं कल, नहीं परसों मिलेंगे, आई हैव सम वर्क टू डू, कल परसों मिलते हैं। ओके सी यू गाइस ऑन 23rd 8:30 PM। सेम टाइम सेम जगह। टेक केयर प्रियंका, सभा खान, थैंक यू विशाल सिंह, सिद्धार्थ सिन्हा, सिद्धार्थ सिंह बापू, सिद्धार्थ बापू। ओके बाय सोहेल, फैजल, लक्ष्मी नारायण, थैंक यू सो मच, बाय।